अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट में, आपकी मेजबान तमन्ना आरिज़ू। नाजरीन, 10 जून यौम शम्स फकीर यानी अर्ज़ मुबारक शम्स फकीर के दिन से जाना जाता है। जबरगाम के खान साहब तहसील के कलशीपुरा इलाके में इस दिन शम्स फकीर की शायरी पर नजर डाली जाती है और वादी भर से लोग शम्स फकीर के कलाम को सुनने आते हैं। आइए नजर डालते हैं शम्स फकीर की जिंदगी पर और जाने की कोशिश करेंगे उनकी शायरी में छुपे हुए फलसफे पर। हमारे साथ तहसील खान साहब की मारूफ शख्सियत मसरूर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं शम्स फकीर की हालात जिंदगी के बारे में। जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैरमकदम है। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे शम्स फकीर का असली नाम था और वो कहाँ के रहने वाले थे। देखिए, जहाँ इनका नाम आया जाता है उसमें तो लोग शक भी करते हैं, लेकिन किताबों से मालूम होता है कि इनका नाम मोहम्मद सिद्दीक भट्ट हुआ करता था और इनकी पैदाइश शिंगराल महल हरकर में। फिर वहाँ से जब ये जवानी के आलम में आए तो वो घर से निकले हैं तो इनकी शादी हुई है इसी गांव में जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, ब्राड़ीपुरा कलशीपुरा में। तो इसको यहाँ पर रखा से घर दामाद बना के ये कलशीपुरा में इनकी शादी यहाँ हुई। और चूँकि इनका तबीयत सूफियाना था, इनका जो रगबत था वो शाहरुख शरीफ के साथ था। शम्स साहब सूफीज़म के शायर, सूफीज़म के कलम बजा है। शम्स साहब का जो कलाम है, पहले मैं ये कहूँगा जब ये मोहम्मद सिद्दीक भट्ट हुआ करते थे तो फिर जब ये अदब के इस दायरे में आए, शायरी में आए, तो इन्होंने अपना नाम शम्स रखा। शम्स तो हो गया आफ्ताब, फ़कीर हो गया कि फ़कीरों का आफ्ताब। माशाल्लाह इनको खुद अपना नजर ये लगा कि मैं शम्स हूँ। कोई छोटी बड़ी बात नहीं, जिसको ये पता लगेगा कि मैं क्या हूँ वही तो इंसान है। इंसान को दरअसल ये पता होना चाहिए कि मैं हूँ क्या, मैं इंसान हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। लेकिन शम्स फकीर का ऐसा मुकाम था, उसको ये पता था कि मैं मोहम्मद सिद्दीक भट्ट नाम से अब जा रहा हूँ, अब मैं शम्स फकीर बन के आया हूँ। बस ये शम्स फकीर, ये जो यहाँ पर अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी वो बहुत सीधी सादी थी। जहाँ तक हमें सुना है, क्योंकि हम इस इलाके से वाबस्ता हैं, मैं प्रॉपर खान साहब से हूँ और खान साहब से यहाँ तक कोई 1.5 किलोमीटर का फैसला है। तो इनकी यहाँ पर जो इसके ताल्लुकात हैं, इनकी बेटी थी, उसके बच्चे हैं, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। वो कोई प्रोग्राम जो होता है यहाँ पर इस घर में हम देखते हैं, ये है सईद गुला अहमद साहब का मकान है, इनके फर्जंद है तारिक साहब। तो इनका ज़बरदस्त यहाँ जो है, इनका जो है महराजीन साहब हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, ज़बरदस्त एक का लोगों को शम्स साहब के साथ है। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ कश्मीर, यानी यहाँ मैं कहूँगा यूनियन टेरिटरी से आगे भी शम्स साहब का नाम है, क्योंकि शम्स साहब सूफीज़म के आलमगर हैं। जहाँ तक हम शम्स साहब की शायरी को देखेंगे उसमें फलसफा है, और वो फलसफा क्या है, वो इतना है कि हम एक हैं, हमें एक दिन जाना है, हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ कुछ करना है। हम जब यहाँ आते हैं, दुनिया की जो डायरी है हमने इस पर अपना दस्तखत करना है कि शम्स साहब की जब हम शायरी देखेंगे, फलसफा देखेंगे, सूफीज़म देखेंगे, वो तो माशाल्लाह मैं क्या कहूँगा। इनको अपने वक्त के दोस्त वहब साहब हुआ करते थे, वहब खान, और ये एक दूसरे को अपना कलाम सुनाया करते थे। शम्स साहब कह रहे हैं, वन यू सीर असरार यूनो आसिफ गुबली मैं वो हर शे सुयार शहरों का जर के खाली। किसी उर्दू शहर का नजर है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यही शम्स साहब कह रहे हैं, वन यू सीर असरार यूनो आसिफ गुबली मैं वो हर शे सुयार चलो का जर के खाली। यानी शम्स साहब को ये देखना है कि इनकी नज़र क्या थी, कहाँ से कहाँ तक थी। शम्स सच कहते हैं, जहाँ हम देखते हैं दुनिया, एवरी वायर इज़ गॉड, एवरी वायर इज़ नबी अलैहिस्सलाम। जहाँ हम देखेंगे, क्योंकि हम ये कैसे कहेंगे एवरी वायर इज़ नबी अलैहिस्सलाम, खुदा खुद आशिक है नबी का, ये ज़रूरी बात है। जहाँ आशिक होता है उसकी निगाहें हम अपने महबूब पर ज़रूर होती हैं। यही बात कहते हैं शम्स साहब। अगर मैं आपसे बात करूँगा, बने सीरे असरार यूनो आशिक बोली, अगर मैं आपको बात कहूँगा, मैं कोई असरार सीरे असरार आपसे बयान करूँगा, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, अपना ज्ञान इन कलाम जो शम्स साहब का कलाम है इसकी तरफ दिया करो। शम्स फकीर, यहाँ फकीर का लफ्ज़ आता है, हम आम तौर ये कहते हैं कि या सची फकीर,
इन्हें भीख मांगने वाला है। अगर हम शमस साहब को उसी लफ्ज से इस्तेमाल करेंगे, ये भी भीख मांगने वाला है, लेकिन किसके लिए? इश्क के लिए। शमस साहब का दिल जो है ये तलबगार था इश्क का, दीदार नबी का, अल्लाह जल्ला शानू की फजल का। ये चीज शमस साहब हर जगह अपनी शरीर में करते हैं। अल्लाह ने उसको सूफी इज्म दिया, अल्लाह ने उसको सूफी इज्म का ये अलमबरदार बनाया। शमस फकीर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आंगन की आंगन दूसरे आंगन तीसरे आंगन में जाया करते थे, कुछ लोग उसे मानते थे। उसको वो परेशानी नहीं थी, घर के लिए नहीं था, लेकिन फिर साल के आखिर पर भंडारा किया करते थे और गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं, इस्लाम सिर्फ इतना ही कहते हैं, अगर कोई इबादत करनी हो, कुछ करना हो, तो भूखे को खाना खिलाओ। ये सबसे बड़ी अजीम ये कुर्बानी है, अजीम खदमत है। शमस साहब यही करता था कि साल भर कमाता था, फिर मिस्कीनों गरीबों मोहताजों में वो बांट रहा था। यही बात है कि आजकल भी यहाँ भंडारा लगता है, जहाँ तारिक साहब के घर में है, अल्ताफ साहब के घर में क्या है, उनके महराज साहब के घर में है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये भंडारा मनाया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इन द लव ऑफ शमस साहब। लोग यहाँ आए हैं, हमने भी जाना है, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। शमस साहब लिखते हैं, ये वहाँ उनके उस मज़ार पर भी लिखा है, सुना है कि जब शमस साहब को अब आखिरी दिन थे, तो उन्होंने आखिरी शेर लिखा है, मखमदीनस बर्श वचिए मेरी लिखिए रुकना, दूरी चारान नूर फतिए मेरी लिखिए रुकना। ये देखना है, अगर हम पूरे गहराई की तरह जाएंगे और देखेंगे कि कोई छोटी बात नहीं है कि इंसान ये कहेगा कि अब मुझे जाना है, और जाते जाते ये कहेगा मखमदीनस बर्श वचिए। ये देखना है कि शमस फकीर सूफी इज्म में या इश्क़ मोहम्मद में इनकी क्या नज़र थी, जिन्होंने ये कहा मखमदीनस बर्श वचिए मेरी लिखिए रुकना। जो उनका कलाम है वो दर्द इश्क प्यार मोहब्बत और फलसफा से भरा हुआ है। वो इसमें ये कहता है, उनके हर शायर हमें ये नजर लगता है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप ये मानें कि हम एक हैं, वह दिल मोमिन एक माना हम एक हैं, लेकिन एक होते हुए हमने ये देखना है कि अगर मैं इंसान हूँ, मुझे बस एक इंसान, इस इंसान का मदद करना है, उस इंसान का मदद करना है, इसका हाथ बढ़ाना है। इसी को फकीरी कहते हैं, इसी को तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ में ये बात है कि देयर शुड बी वन। तसव्वुफ वही चीज़ है जहाँ मेरा बेटा हो, मेरे दोस्त का बेटा हो, मेरा हमसाय का बेटा हो, मुझे ये ख्याल रखना कि तीनों मेरे बेटे हैं, ये तसव्वुफ है। इसमें दुनिया की बात नहीं है, जहाँ पर पुनर मिल जाने अकेला, हम अकेला नहीं है, कुनर में मतलब है हम सब एक हैं। हम मतलब देते हैं कुनर, आई एम अलोन, नहीं, इसके ये मतलब नहीं, कुनर हम इकट्ठे हैं सारे और हम एक हैं। शमस फकीर का यही कहना है कि फलसफा जो कहता है, शमस फकीर का तौहीद जो कहता है, शमस फकीर जो कहते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें एक दूसरे के हाथ आना है, एक दूसरे के काम आना है। जैसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैंने जब कुरान का मुशाहिदा किया तो मुझे ऐसा लगा कि दर्द दिल के वास्ते फायदा के इंसान को। अगर हम इबादत की बात करेंगे तो कितने फरिश्ते हैं जो अल्लाह जल्ला शानहू की इबादत करते हैं। हम तो पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर उधर काम करते हैं, इधर काम करते हैं, दुनिया की काम करते हैं, लेकिन जो फरिश्ते लोग हैं उनका एक ही काम है अल्लाह का जिक्र करना। शमस फकीर के कलाम को समझने के लिए किस किस्म की रहनुमाई? देखिए, जहाँ तक हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान रवानी पढ़ते हैं, हम उसका मानी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये रहता है ये कलामुल्लाह है, ये मौलाना साहब है, ये वो है। लेकिन हमें कहा जाता है हमें कुरान समझना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें इसका ये तर्जमा सीखना चाहिए, ये तो रही कुरान शरीफ की बात। अब कुरान शरीफ से आते हैं हम देखते हैं शायरी, इनकी शायरी समझने की बात है, लेकिन हम यही ये नहीं कहेंगे कि इनकी शायरी समझ से बाहर है। शमस साहब की जो शायरी है ये आम फाहम भी कहीं पर है और कहीं पर गहराई है। जरूरी नहीं कि हर कोई इनकी शायरी समझ पाएगा, क्योंकि कहीं पर इनकी वो निगाह है जहाँ हम नहीं जा सकते, कहीं पर इन्होंने ऐसा कहा है जो कि हमारे समझ से बाहर है, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो तो कुछ कहा है उन्होंने, इनका एक एक शार एक एक किताब है। जो ये कह रहे हैं अपने फिलासफी में, अपने इशारों में, ये सिर्फ ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो मोहब्बत से भरी है। जब तक हम दुनिया में हैं हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना है, और ये भी याद रखना है हमें जब कहीं हम देखेंगे कोई मजलूम, हम उसको हाथ बढ़ाना है।
समझते थे कि वो फिलसफी इंसान थे, वो सूफीज्म के अलमबरदार थे। सूफीज्म जो है, सूफीज्म के सबसे आला अलमबरदार ये याम हमारे शेख आलम साहब हैं, लालम जिसको हम बालदेव कहते हैं। लेकिन फिर जब हम थोड़े आगे जा रहे हैं उसमें शमश साहब का नाम सारे फिलस्ता आ रहा है। हमारे पास इस वक्त भी सूफी शोरा है, वो रजब हामिद साहब हुआ करते थे, ये जरगर साहब है, अब्दुल्ला जरगर साहब है, बहुत सारे शायर हैं। लेकिन दर्जात अलग अलग हैं, जैसे इकबाल साहब हैं, गालिब साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, ऐसे भी दर्जात हैं अलग अलग। ऐसे ही शमश फकीर साहब, इनका एक दर्जा बहुत आगे है, इसके पीछे पीछे बहुत सारे शायर हैं। लेकिन शमश साहब का जो शायरी फलसफा है वो कुछ और है। हमारा ईमान तब मुकम्मल है जब हम ये कहेंगे कि नबी हमारा पैगंबर है और हम नबी की उम्मती हैं। उम्मती ही हमारा ईमान है, जब हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं यही हमारा ईमान है। शमश साहब भी इसी के कायल हैं, क्यों न हो गए, ये नबी के आशिक हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए इनका पैगाम है, लव गिव लव एंड गेट लव, प्यार दिया करो ये थे हमारे साथ मुजीद मसरूर साहब, जो कि जिला बडगाम के खान साहब इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने शमस फकीर की जिंदगी पर रोशनी डाली और शायद आपको भी ये आज का रिपोर्ट पसंद आया। मैं बडगाम से तमन्ना आरिज़ू, मुझे इजाजत है, अल्लाह।